नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान में मीडिया से रूबरू होने का हम सब पदाधिकारी को आदेश मिला था, निर्देश मिला था माननीय अध्यक्ष जी का, उसी कड़ी में आज यहाँ पर भी हम प्रेस वार्ता कर जनहित के मुद्दे, किसानों से जुड़े मुद्दे और कांग्रेस सरकार की 2 साल की विफलताओं को लेकर कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। आप सभी इसमें साधर उपस्थित हैं। आप सबको मैं आग्रह करता हूं कि अब अपनी आरजेपी कार्रवाई शुरू करें। क्षेत्र में सर वर्तमान में हम देख रहे हैं चोरी, बलात्कार, हत्या जैसी कई घटनाएं सामने आई है और आज भी आप देख रहे हैं 4 दुकानों के ताले टूटे हैं, तो बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के आप किस तरह की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और पार्टी क्या किस स्तर पर कार्य कर रही है? मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल के अंदर इस कांग्रेस सरकार के शासन के अंदर, जबकि कांग्रेस सरकार का मुखिया ही अशोक जी गहलोत जी खुद स्वयं गृह मंत्री है, उसके बावजूद भी राजस्थान अपराध के क्षेत्र में पूरे देश में 1 नंबर पर आ रहा है। महिला अत्याचार, महिला बलात्कार, लूट खसोट, डकैती, भय का वातावरण, बजरी माफिया, पत्थर माफिया, शराब माफियाओं का इस राजस्थान प्रदेश के अंदर साम्राज्य स्थापित हो चुका है। ऐसा लग रहा है ब्यूरोक्रेसी फेल हो चुकी, सरकार फेल हो चुकी और ये माफिया ही इस सरकार को चला रहे हैं। सत्ता की बागडोर माफियाओं के हाथ में है। हमारे क्षेत्र के अंदर, सवाई माधोपुर जिले के अंदर, दौसा जिले के अंदर, टोंक जिले के अंदर, करौली जिले के अंदर, धौलपुर और भरतपुर जिले के अंदर विगत 2 सालों के अंदर इतने जघन्य अपराध हुए हैं। 11-11 साल की बालिकाओं के साथ में गैंगरेप किए गए, जिनके मुद्दे संसद तक उछले हैं। नागौर के अंदर 5-5, 6-6 लोगों ने बालिकाओं के साथ में जघन्य अपराध किया, उनके साथ बलात्कार किया। उदयपुर की ऐसी घटनाएं हैं, झुंझुनू की, चूरू की ऐसी घटनाएं हैं, धौलपुर की, भरतपुर की ऐसी घटनाएं हैं, दौसा की ऐसी घटना है और सवाई माधोपुर में भी खंडार ले लो, बोली ले लो, बामनवास ले लो, गंगापुर सिटी एरिया ले लो, इनमें भी अपराध आज चरम पर है। सारे के सारे जनप्रतिनिधि, चारों विधायक आंख मूंद करके बैठे हैं, सरकार के कान नहीं खुल रहे, प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। कई बार हमने एसपी साहब को भी कहा लेकिन अभी तक प्रशासन पर भी जू नहीं रह रही है। माफिया इस कदर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं, अब तो केवल एक ही उपाय रहा है कि या तो सरकार सुन ले, प्रशासनिक अधिकारी सुन ले, वरना जनता के साथ में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के सिवा हमारे पास कोई हथियार नहीं बचा। उसमें से कितनी ही ताकत हमको लगानी पड़े। अब हम जन की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए, उनका मान सम्मान बचाने के लिए, अगर बंदूक की गोली मां बहनों के और बेटियों के लग रही है, हमारे सीने पर भी लगेगी तो हमको गर्व होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, कदम बढ़ा करके जनता के हक के लिए लड़ेंगे, गरीब के हक के लिए लड़ेंगे, किसान के हक के लिए लड़ेंगे, नौजवानों के हक के लिए लड़ेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ेंगे, चोरी डकैती बलात्कार के लिए लड़ेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से बौली के अंदर 3-4 बार ताले तोड़ने की घटनाएं हो गई। आम व्यापारी भयभीत है, बाजार का व्यक्ति भयभीत है, उनके प्रतिष्ठान सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर नाक के नीचे, विधायक की नाक के नीचे, उनकी कॉलोनी के अंदर 2 बार घटनाएं हो चुकी, चोरी हो चुकी है और फिर भी आज तक एक चोर पकड़ में नहीं आया, एक अपराधी पकड़ में नहीं आया। उनको कानूनी सुरक्षा है या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है हमें पता नहीं है, लेकिन इसके तह तक जाने की हमको भी जरूरत है, हम भी जाएंगे। प्रशासन को जरूरत है ऐसे लोगों को बाहर निकाल कर लाए। एक हत्याकांड अभी पीपलवाड़ा में हुआ, कई सारे, एक पहले सोतोली के पास में एक हत्याकांड हुआ ट्रैक्टर से कुचल कर, सांकड़ा के पास में एक ट्रैक्टर से कुचल कर एक जवान की हत्या हुई। ऐसे मर्डर केस इस जिले के अंदर 40 केस हो चुके। हम सब की फाइल इकट्ठा करेंगे और अपराध का जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, आमजन को जागरूक करके इसके खिलाफ जंग लड़ने की शुरुआत करेंगे। सर एक मेरा सवाल ये था कि लॉकडाउन काल में हर तबके को किसी न किसी रूप से राहत मिली है, लेकिन निजी शिक्षक एक ऐसा तबका रहा है जिसे राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कोई राहत नहीं मिली। इसे लेकर के आप मंडल अध्यक्ष होने के नाते, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री होने के नाते आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया ने पहली बार ये क्वेश्चन किया है। एक बहुत बड़ा वर्ग है और वो वर्ग है 18 से 40 साल का जवान, उसको रोजगार की सख्त आवश्यकता है। लेकिन कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा पीड़ित वो व्यक्ति रहा, क्योंकि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट निजी विद्यालय सब बंद रहे। ऐसे में उन लोगों को कहीं पर भी नियोजित सरकार ने नहीं किया, ये पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो बहुत सारा बजट इस कोरोना काल के अंदर राज्य सरकारों को दिया है। व्यवस्था मैनेजमेंट का काम राज्य सरकारों का था, उनको ऐसे लोगों को प्राथमिकता से लेना चाहिए था, लेकिन उनको न कहीं पर न
नरेगा में नियोजित किया गया, न पंचायत राज के कहीं काम चल रहे तो उनमें नियोजित किया गया, न उनको किसी प्रकार की आर्थिक मदद दी गई। मैं चाहता हूं कि उनको अब सरकार इंगित करके ऐसे जितने भी लोग हैं राजस्थान प्रदेश के अंदर उनको बेरोजगारी भत्ता अब नियमित रूप से एक बार में देना चाहिए, कम से कम 6 महीने का एक बार में उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। हाँ जी, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में, इसमें आपकी क्या राय है? ये मैं आप लोगों को आग्रह करूं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है और बिचौलिये इस सरकार को, केंद्र सरकार को फेल करने में लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी और जो धरातल तलाश रहे हैं, अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि उनको पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस हाशिए पर है, अन्य दूसरी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हाशिए पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 6 वर्षों के अंदर जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय इस देश की जनता के हित में, देश हित में, मातृभूमि की हित में लिए हैं, उनसे विपक्ष सारा का सारा बौखला चुका है। सब राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर कहीं एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से इनके साथ में है। किसान आंदोलन जगह जगह पर ये कांग्रेस अपने पंचायत राज के चुनाव को लेकर के ये झूठी राजनीति कर रही है। अभी यहाँ पर राहुल गांधी जी आए हैं नागौर साइड में और पीलीबंगा में, और उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ में, अगर किसानों के साथ में राहुल गांधी है तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे, उनका कर्ज माफी का वादा झूठा रहा। आज तक किसान कर्ज माफी के लिए इंतजार कर रहे हैं, सैकड़ों किसानों ने कर्ज माफी कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर ली, उनकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। आज तक ये दोबारा से माननीय राहुल गांधी जी राजस्थान में आकर के भोली भाली जनता को, भोले भाले किसानों को फिर बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान अब समझ चुका है वो इनके बहकाव में किसी सूरत में आने वाला नहीं है। प्रदेश नेतृत्व ने अभी आपको किसान मोर्चे की इतना अहम पद दिया है, इस समय आप अपना पक्ष रख किस प्रकार रख पाएंगे, जबकि पूरे देश में किसानों का कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा है। कृषि बिलों का विरोध नहीं है, ये तो केवल जनता को, किसानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम किसानों को समझाएंगे, किसानों के 3 जो बिल आए हैं उनको समझाने के लिए किसानों के बीच में जाएंगे, गांव-गांव ढाणी ढाणी चप्पे चप्पे पर जाकर के हम किसानों को इनके फायदे गिनाएंगे। इसमें कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई है जिससे किसान की आमदनी दुगनी होगी। जब से किसान की आमदनी दुगने का करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, तब से विपक्ष बौखला गया है। राम मंदिर का मुद्दा इनके हाथ से गया।